पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को मजेठिया भवन में चल रहे प्रवेश परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के लगभग 50 से ज्यादा छात्रों ने विश्वविद्यालय मुख्य गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मजेठिया भवन की केंद्राध्यक्ष डॉ. उषा द्वारा प्रवेश परीक्षा में एबीवीपी के कुछ सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है, जो परीक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन की सूचना पर परीक्षा के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजवंत राव और कैंट पुलिस मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर उनके आंदोलन को समाप्त करवाया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता भास्कर ने आरोप लगाया है कि मजेठिया भवन की केंद्राध्यक्ष डॉक्टर उषा ने ड्यूटी प्रवेश परीक्षा में मनमानी तौर पर लगाई है, जो परीक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर राजवंत राव ने कहा कि उन्होंने स्वयं केंद्र का निरीक्षण किया है। एक लड़का चाय के लिए बुलाया गया था, जिसे पेपर खुलने से पहले वहां से निकाल दिया गया था, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। लोग अपने चहेतों को ड्यूटी पे लगाएं, ये बात सत्य राव ने मैंने सिखाया था कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा। उनके विरुद्ध कार्यवाही कुलाधिपत कर दो, आप कुलाधिपत को ही आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, बात आपसे हुई है, आप लोगों का आरोप, आप लोगों का यार आरोप यही है ना कि थोड़ा सा खराब ढंग से बात की है। खराब ढंग से बात तो की है, प्लस नकल करा रहे हैं। सर, आप बोले हैं कि भूखलक बटा भी नहीं था। सर तो नहीं बदल गई, सर बात बदल गई। कार्यकर्ता बता रहे हैं, वो शिक्षिका ने पहले अपने आपको बताया। आप लोग हमको पता नहीं लगा किसी को कदम करना रहेगा। आपने आपकी क्या गलती है, जी देखिए, मजेठिया भवन में आज प्रवेश परीक्षा हो रही थी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हो रहा था, उसमें एबीवीपी के संगठन के लोगों की जो गार्डिंग होती है, जो ड्यूटी दी जाती है, उसमें ड्यूटी लगाई गई थी। हम लोग वहां पहुंचे और बात करने की कोशिश किए तो केंद्राध्यक्ष कहती हैं कि हम लोग पहुंचे कि आप किसकी किसकी ड्यूटी लगाई हैं। इस संदर्भ में हम लोग बात करने जब पहुंचे तो इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हमारी ये मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जो केंद्राध्यक्ष हैं और जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये बताइए कि जो प्रदर्शन करने वाले थे वो भी एबीवीपी से थे और जो अंदर थी मैडम? नहीं, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे ये छात्र थे, आम छात्र और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे कि एबीवीपी या किसी भी संगठन विशेष का कोई इस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो भी हो, फेयर क्या नाम है, परीक्षा कराई जाए, निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए, ताकि एक आम छात्र जो संघर्ष करके दिन रात पढ़ के इस विश्वविद्यालय में आने का सपना देखता है, अपने सपनों को उजागर करने की बात सोचता है, उसका सपना सच में साकार हो पाए, इसके लिए एक स्वच्छ परीक्षा की आवश्यकता होती है। सर, क्या मांग किया आप लोगों ने? जी हम लोगों ने जी हम अभी कुलपति जी को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी पूर्ण रूप से यही मांग है कि उन लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए जो इसमें प्रायोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। मैं बच्चों का कहना था, वहाँ सेंटर से पहली बात तो केंद्राध्यक्ष का फोन आया कि चैनल पर
लड़के छात्र नेता हैं जो अंदर जाना चाहते हैं और अंदर घुसना चाहते हैं। इस पर हम गए तो बच्चों ने कहा कि एक लड़का जो ड्यूटी कर रहा है और वो एबीपी का सदस्य है और उसको निकाला जाए। जब मैं वहाँ गया तो वो ड्यूटी लिस्ट देखा तो ड्यूटी लिस्ट में उसका नाम नहीं था और पूछने पर पता चला, पूछने पर मैडम ने बताया कि वो चाय देने आया था, उसके बाद चला गया वो। और वो लड़का और मैं, बुकलेट अभी खुली भी नहीं थी उसी समय मैं पहुंचा था। मैं, सुधीर श्रीवास्तव और विजय शंकर वर्मा, तीनों लोग साथ ही पहुंचे थे और ये देखा कि बुकलेट अभी खुली भी नहीं थी और वो लड़का नहीं था। सर, कुछ छात्रों का आरोप है कि सर पैसे लेकर कुछ नकल निकल मामले आपके सामने। एकदम सभी सेंटर घूमा हूँ, एकदम निराधार है, गलत है। आप जानते हैं प्रवेश परीक्षाओं में ये नकल नहीं होती और विश्वविद्यालय में कभी नहीं। नहीं, मैंने यही कहा जो उनसे वहाँ गेट पर कहा था, चैनल गेट पर कहा। तो क्या कार्रवाई अब आगे कर रहे हैं? नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं तो कार्रवाई का क्या? नहीं, अब कार्रवाई की क्या क्या होगी? वो लड़का बुकलेट खुला ही नहीं, वहाँ सेंटर पर नहीं था तो कार्रवाई क्या क्या होगी? अच्छा, सुचितापूर्ण ढंग से, ठीक ढंग से परीक्षाएं चल रही हैं तो कार्रवाई का मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक ढंग से परीक्षाएं चल रही हैं।